ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तगण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद दामोदर देशभक्त भक्तवृंद फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत पांचवें स्कंद के 18वें अध्याय में जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो 9 वर्ष हैं जिनमें हमारे भारत वर्ष की महिमा का गान भी आएगा 2-3 दिन में, ये सारे वर्ष भारत वर्ष को छोड़ के जो कर्म भूमि है, अन्य सारे वर्ष इस भूमि के ऊपर स्वर्ग है और हम कल से चर्चा कर रहे हैं कच्छप भगवान की पूजा आर्यमा कर रहा है, इस वर्ष का वर्णन चल रहा है और उनकी प्रार्थनाएं जो है उसके अंतर्गत 32वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। जरायुजम स्वेदजम अंडोद्भव अंडोदभिदम अंडजोद्भव उद्भिदम चरा चरम देव ऋषि पितृभूतम आयन्द्रियम देयो हखम क्षति शैल शरीत समुद्र द्वीप ग्रह रक्षेति अभिधेयत एक। ये जो पहली लाइन में चार अक्षर है, चार जो शब्द हैं अक्षर हैं, जर आयुजित स्वेद जर आयुजम, जो गर्भ से माता के उत्पन्न होते हैं जैसे मानव और पशु, स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं कीट, ये जिसको कहा जाए कीटाणु, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे पक्षी, और उद्भिज ये उद्भिजम जो हैं ये धरती से बीज से वृक्ष के रूप में होते हैं, इसको उद्भिज कहते हैं। ये चार प्रकार की सृष्टि है और ये सृष्टि है चर अचर, इसमें कुछ चल सकते हैं कुछ नहीं चल सकते हैं, तो इसके फिर नाम बता रहे हैं कि इनके द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है और फिर और क्या है संसार में, देव ऋषि पितृ भूतम प्राणी, अथवा देव ऋषि पितृ भूतम पांच भूत, इंद्रियम उनकी इंद्रियां, चाहे देव ऋषि हो चाहे पितृ हो, उन सब के अंदर पांच भूत हैं उनकी इंद्रियां हैं, कहाँ ये हैं सब, देयो देवलोक में, खम आकाश में, क्षति धरती के ऊपर, शैल पर्वत के ऊपर, शरित नदियों में और समुद्र में, द्वीप द्वीपों में, ग्रह रक्षित तो ग्रह और नक्षत्र ये तारा मंडल, अभिधेय ये जो कुछ भी दिख रहा है, एक भगवान ये आप एक ही हैं, आपका ये विस्तार है और आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अभिधेय इनके अलग अलग नाम भले हैं परंतु ये सब आपसे उत्पन्न होते हैं। तो मेरे प्रिय भगवान आर्यमा जी अपने पितृलोक के पुरुषों के संग में भगवान कच्छप को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रिय भगवान, आप अपने नाना रूप की शक्तियों के द्वारा नाना रूपों में इस संसार में जो सृष्टि है चराचर की, जिसमें जो कुछ तो माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं,
कुछ अंडे से निकलते हैं, कुछ पसीने से और कुछ बीज से वृक्ष आदि निकलते हैं धरती से। ये सारे जितने जीव हैं वो जोनू चराचर जो भी है उसके अंतर्गत देवता भी आते हैं, देवता भी आते हैं, ऋषि भी आते हैं, पितृ भी आते हैं और आकाश में रहने वाले जो भी हैं और उससे देवलोक, देयो देवलोक जिसमें स्वर्ग आदि लोक आते हैं और फिर ये धरती, फिर पर्वत, नदियाँ, समुंदर, ये द्वीप जितने भी हैं और ये सारा तारामंडल जो है ये भगवान आपके नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा ही प्रकट है, परंतु आप एक हैं, आप अनेक नहीं हैं। ये सब नाम रूप अनेक हैं परंतु आप एक हैं, इसलिए कोई चीज़ आपसे दूर नहीं है, आपसे परे नहीं है। और ये सारा भौतिक जगत भी झूठा नहीं है, क्योंकि आपसे निकला है तो आप सत्य हैं, तो आपसे निकलने वाली चीज झूठी कैसे हो सकती है। परंतु ये सदा रहने वाला नहीं है, अस्थाई है और ये भी आपकी अचिंत्य शक्ति है। तो जीवों की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है, कुछ गर्भ से होते हैं, कुछ पसीने से, कुछ अंडे से और कुछ बीज से। कुछ चर है, कुछ अचर है, उनके अंदर देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, पितृ भी हैं। ये सब बने हुए पांच तत्व के, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, और सबको अपनी अपनी इंद्रियां हैं। और कोई स्वर्ग में रहते हैं, कोई अंतरिक्ष में रहते हैं, कोई धरती पे रहते हैं, कोई पर्वत पे रहते हैं, कुछ नदियों में रहते हैं, कुछ समुन्द्र में रहते हैं, कुछ द्वीपों में रहते हैं, कुछ अलग 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 लोकों में रहते हैं, तारामंडल के भी स्वामी हैं। ये जितना कुछ है बस मात्र एक आपका ही विस्तार है, क्योंकि भगवान एक आप ही कारण हो इस जगत के। परंतु इस जगत में नाना रूप हैं, परंतु वो सब आपके ही द्वारा प्रकट हैं। श्रुति ने ऐसे कहा है, ये क्या है, ये सारे श्लोक का वेद ने वर्णन किया है, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, जो अखिल देखने में आ रहा है संसार में वो सब ब्रह्म है। ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये श्लोक, ये जो कुछ लोग अपना एक मत देते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, प्रायः ये ज्ञानी लोग जो निर्विशेषवादी हैं उनका ये एक वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान जो है वो ब्रह्म है, वो सत्य है, वो सदा रहने वाला है और जगत झूठ है। प्रभुपाद कहते हैं ये श्लोक उनके इस वाक्य को, उस वाक्य का खंडन करता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। वो उनका अर्थ क्या है, ब्रह्म वास्तव में सत्य है और जगत झूठ है, जो कुछ जगत में दिख रहा है ये सब झूठ है। तो ये श्लोक इसका खंडन कैसे कर रहा है, इस सिद्धांत का जो है खंडन कर रहा है, अथवा इस जो ये जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट कर रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ भी झूठा नहीं है, अंतर ये है कोई सदा रहने वाला है, कोई थोड़ी देर रहने वाला है, परंतु जो सदा रहे या थोड़ी देर रहे, लेकिन दोनों है सत्य। जैसे उदाहरणात्मक कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो थोड़ी देर के लिए क्रोधित होता है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि क्रोध इसका झूठा है, क्रोध किसने किया, कुछ मुंह से बोला और जो वचन बोले वो इतने पीड़ा देने वाले थे कि सामने वाले को बड़ा दुख हुआ जो कभी भी नहीं जख्म भरेगा, तो क्रोध झूठा थोड़ी है, थोड़ी देर रहेगा, सारी उम्र तो नहीं रहेगा। तो कोई ये थोड़ी कहेगा इससे ये क्रोध झूठा है, थोड़ी देर रहता है।
इस संसार में जो कुछ हम प्रतिदिन दिनचर्या में देखते हैं, इस प्रकार से कुछ चीजें थोड़ी देर के लिए हैं, परंतु है सब वास्तव में, झूठ कुछ नहीं। यहां प्रभुपाद जी पहले तो इस बात को स्थापित करते हैं कि जगत झूठा नहीं है, परंतु जगत ये अस्थायी है, सदा रहने वाला नहीं है। अब प्रभुपाद जी उत्पत्ति वाला वर्णन कर रहे हैं, जो इस श्लोक में मुख्य रूप से कहा गया है कि सारे जीवों की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है, माँ के गर्भ से हो या अंडे से हो, और पसीने से हो या बीज से धरती से वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो। तो ये चार प्रकार का जीवों का सृष्टि होती है, और ये सारे जीव चर और अचर है। तो ये इन नाना प्रकार के जीवों में नाना प्रकार अलग अलग रूप से ये सब जन्म लेते हैं, इसका कारण क्या है? इनका कारण है उनके कर्म। कोई देवलोक में जन्म लेता है और कोई कीट पतंग होता है, ये उनके अपने कर्म है। ये कर्मों की कौन सी परिस्थिति में कौन जन्म लेगा, उसका कर्म उसका जिम्मेवार है। भले जीवों का शरीर भौतिक है, परंतु झूठा तो नहीं है। कोई ये हम थोड़ी कहेंगे शरीर झूठा है, ये शरीर झूठा नहीं है। और कोई कहे कि ये शरीर झूठा है भाई, इसलिए किसी का कत्ल कर दूंगा, किसी की हत्या कर दूंगा, तो इस मेरे ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, मेरे ऊपर कोई दोष नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकता कोई। ये शरीर झूठा है और हम इसको समाप्त करते हैं, ऐसा ये कोई मानन्य सिद्धांत नहीं है, ये मानन्य कोई तर्क नहीं है। हमारे कर्मों के कारण हमारे को ये शरीर कुछ समय के लिए मिले हैं, और जब तक के लिए मिले हैं उन शरीरों में उतने समय तक हमको सुख और दुख भोगना पड़ेगा। हमारे शरीरों को झूठा नहीं कहा जा सकता, परंतु ये अस्थाई है। भगवान जैसे नित्य है, ऐसे भगवान की शक्ति भी नित्य है, और हम भी भगवान की शक्ति हैं, प्रकृति भी भगवान की शक्ति है। शक्ति कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। इसी को वेदों में कहा है, सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। तो ये हमारा शरीर है, हमारे कर्मों का है। जब हम ये शरीर गुरु के शरण में अर्पण करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो फिर इसको भगवान की सेवा में लगाना है, और भगवान की सेवा में लगते लगते हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा सारी क्रियाएं भौतिक होते हुए ही शरीर चिन्मय हो जाता है। इस शरीर से फिर केवल भगवान की भक्ति ही होती है। तो वो शरीर भले भौतिक जड़ है, परंतु उसमें जड़ता का भाव ही निकल जाता है, और फिर आध्यात्मिक शरीर मिलता है जो नित्य है, और वो मुक्त जीव को मिलता है। तो इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए इसी शरीर को जो हमको मिला हुआ है, इसी का सदुपयोग करके भागवत में लिखा है अर्थदम है, भले थोड़ी देर के लिए रहता, समय कम है, परंतु बड़ा लाभदायक है। इसके द्वारा भागवत धर्म का पालन किया जा सकता है। शरीर को झूठा समझ के नाश करना अथवा लापरवाही करना, ध्यान नहीं देना शरीर पे, ये भी उचित नहीं है। एक बार भगवान की सेवा में अर्पण किया हुआ शरीर हमने गुरुजनों को अर्पण कर दिया, तो भगवान की सेवा के लिए है। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद जब वृंदावन से भगवान श्री गौरहरि महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए, तो रास्ते में कहीं कुछ जल पिया के नहाया, उनकी चमड़ी में कुछ रोग हो गया कि चमड़ी से खून और पीप निकलता था, और महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे, और महाप्रभु का सुंदर स्वर्ण जैसा शरीर, पिघले सोने जैसा, उसके ऊपर
सनातन गोस्वामी के शरीर से जो पीप और रक्त है वो लगता था, उनको बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने सोचा कि शरीर को ही समाप्त कर दूं, जगन्नाथ की रथ यात्रा आ रही है, मैं पहिए के नीचे अपने आप को डाल दूं। महाप्रभु तो हृदय में परमात्मा के रूप में कहते हैं, सनातन तुमने एक बार शरीर मुझे अर्पण कर दिया, इस शरीर को अब नाश करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मैं इस शरीर के द्वारा बहुत से दिव्य काम संसार के अंदर भक्ति के मार्ग में लोगों के मार्गदर्शन करने वाले में लेने वाला हूँ, आप इसको नष्ट नहीं कर सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मेरे शरीर से ये पीप आपको लगती है, मुझे पीड़ा होती है। बोला, बच्चा छोटे को माँ गोद में लेती है तो उसका मल मूत्र से कभी माँ को पीड़ा नहीं होती है, और दुर्गंध भी नहीं आती है, और घृणा भी नहीं करती है। ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों, भक्त जब भगवान बाहर के शरीर को नहीं देखते हैं, उनके भक्ति के भाव को देखते हैं, और महाप्रभु ने उसी समय उनको जब आलिंगन किया और आलिंगन किया, कहा आपके आलिंगन से मैं पवित्र होता हूँ, सनातन आप जैसे पवित्र भक्त, आपके आलिंगन से मैं पवित्र होता हूँ। और फिर भगवान के आलिंगन से सनातन गोस्वामी के शरीर से वो रोग समाप्त हो गया, और सनातन गोस्वामी यहाँ जब वापस आए तो बहुत समय तक भक्ति के भक्त हरि भक्ति विलास जैसा और वृद्ध भागवत अमृत जैसे और दशम स्कंद के ऊपर जो उनकी टीका है वैष्णव तोषणी जैसे ऐसे अद्भुत कार्य किए। तो ये शरीर सत्य है, शरीर भगवान की सेवा के लिए है। आगे का एक श्लोक और, इस लोक में आर्यमा जी कहते हैं और फिर दूसरे लोक में प्रवेश करेंगे। यस्मिन् असंख्येय विशेष नाम रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम् संख्याययाता तव दर्श्यापनीयते तस्मै नमः सांख्य निर्दर्शनायते इति। यस्मिन् भगवान आप में, परम पुरुष भगवान आप में असंख्य विशेष नाम रूप कृतौ, ये सारे जगत में जितने नाम रूप ये जो कुछ भी है ये असंख्य है, इनकी कोई गिनना नहीं। और इनकी सारी जो आकृतियां हैं, कभी भी कल्पितेयम, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, कभी कहते हैं विद्वानों को, वो इसका कल्पना करते हैं। संख्या यया तत्व दृश्यापनीयते, कितनी संख्या है उस सत्य को, उस ज्ञान को प्रयास करते हैं कि हम समझ लें। और आपने इस नाम रूप तो अनेक हैं परंतु इसमें तत्व कितने हैं, उन तत्वों का वर्णन आपने सांख्या निर्देश के द्वारा दिया है, इसलिए भगवान आपको हम प्रणाम करते हैं। ये प्रिय भगवान, आपके नाम, आपके रूप और आपके शारीरिक जितने भी बहुत सुंदर जो फीचर्स हैं वो अनंत है, असंख्य है, और कोई इसकी गणना नहीं कर सकता कि कितने हैं। परंतु प्रभुपाद लिखते हैं, आप स्वयं जब कपिल देव के रूप में अवतार लेते हैं, जो ज्ञान प्रदान अवतार है भगवान का, तब इस सारे नाम रूप किस चीज के बने हुए हैं उन तत्वों का वर्णन करते हैं, तब वो केवल 24 होते हैं। इसलिए जो सांख्य दर्शन में रुचि रखता है और इस सत्य को जानना चाहता है उसको सुनना चाहिए कपिल देव के सांख्य के दर्शन को, आपसे सुनना चाहिए, वो आपका ही अवतार है। ये जो अभक्त है वो तो केवल गिनती करते हैं, ये है, परंतु आपके रूप से अवगत नहीं है, आपके रूप को नहीं जानते हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके ज्ञान रूप का प्रणाम करते हैं, आपके ज्ञान रूप को प्रणाम करते हैं।
और उस ज्ञान रूप में जिनके लिए बड़े बड़े कवि विद्वान नाना रूप नाना नाम अलग अलग रूप नाम आकृतियां प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, वो सब आप में आपके ऊपर आश्रित है और केवल 24 तत्वों के अंतर्गत वो सब आते हैं। ये सब चीजें बाहर से ये सब समाप्त हो जाती है, केवल 24 तत्व ही बचते हैं। ये आपका ज्ञान है, क्योंकि ये जगत थोड़े समय के लिए है, सदा के लिए नहीं है। इसलिए ज्ञानी इसको कहते हैं, इसकी कोई इसका महत्व नहीं है। और बड़े बड़े ऋषियों ने इसमें बहुत से रूपों का वर्णन किया है और उनके कई नाम हैं, कई रूप हैं, कई प्रकृतियां आकृतियां हैं, कई संस्कृतियां हैं, परंतु सांख्य निर्देश है जो आपका स्वरूप है जिसमें आपने ये ज्ञान दिया है, वो तत्व का ज्ञान है जिसमें ये सब रूप भौतिक रूपों का हरे कृष्णा माइक्रोफोन उसमें ये जो आकृतियां प्रकृतियां संस्कृतियों वाला विचार जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है वो समाप्त हो जाता है और तत्वों का वर्णन होता है। ये हम वर्षों का वर्णन कर रहे हैं, इसमें भगवान की पूजा होती है। ऐसे दीप जो हैं वो 7 दीप है, वहां तत्व की पूजा होती है, कहीं आकाश की, कहीं पृथ्वी की, कहीं जल की, तो कहीं रूपों की पूजा होती है, कहीं तत्वों की पूजा होती है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि बड़े बड़े दार्शनिक बड़े बड़े वैज्ञानिक वो इस सारे ब्रह्मांड का अध्ययन करना चाहते हैं, इस सारे संसार ये जो तारा मंडल है जो कुछ दिखता है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और गिनती लगा रहे हैं कि कितने संख्या कितनी है, कोटि है कि खरब है कि अरब है, और कई युगों से इसकी खोज चल रही है। परंतु ये जो इनकी वैज्ञानिक दृष्टि है, इस सिद्धांत को कहते हैं अवरोह पंथ। अवरोह पंथ मतलब अपनी बुद्धि से नीचे से ऊपर जाके ढूंढने का प्रयास करना, इसमें सफलता संभव नहीं है। और जो वेदों का मार्ग है उसको कहते हैं अवरोह पंथ, ऊपर से नीचे आना भगवान से। परंपरागत जब हमारे को ज्ञान मिलता है तो वो हमको सही शिक्षा देता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं उनके ऐसी खोज करते करते वो बेचारे मर जाते हैं और जहाँ खोज छोड़ते हैं वहाँ उसका नाम निशानी खत्म हो जाता है और प्रकृति वो सारे समाज उनके खोज कोत के ऊपर पानी भेर देती है। और अनंत काल से इस सृष्टि में कई परिवर्तन आ रहे हैं और एक समय आता है जब प्रलय भी हो जाती है। इस सृष्टि में निरंतर भूतवा भूतवा प्रलयते, निरंतर परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ साथ प्रलय होती है। ये प्रकृति का नियम है। ये भौतिक वैज्ञानिक भौतिक जगत को जानना चाहते हैं, परंतु इस जगत के पीछे जो जगदीश है, जगत का स्वामी है, उसको जानने की उनकी इच्छा नहीं, जो इस जगत का सारा रचिता है, पालक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये जगत अपने आप काम नहीं करता है, मेरे निर्देश में काम करता है। मयाधिक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। अब भौतिक सृष्टि प्रकट है, समय आने के बाद कई युगों के बाद फिर ये प्रलय हो जाएगी, फिर ये थोड़े समय के लिए अदृश्य रहेगी, फिर पुनः प्रकट हो जाएगी। यही तो प्रकृति का नियम है। अब हम वर्ष दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं। उत्रेशो च कुरुषो भगवान यज्ञ पुरुष कृत वारा वराह रूप आसते तम तो देवी
ऐषः भूसः कुरुभिरः असक्खलीत भक्ति योगेन उपधावति इमां च परमां उपनिषदम् आवर्तयति। अब जिस वर्ष का नाम आ रहा है उसको कहते हैं उत्तर कुरु वर्ष। उत्तर कुरु वर्ष, उत्तर में जम्मू द्वीप के उत्तर में उत्तर कुरु वर्ष है, उसमें भगवान यज्ञ पुरुष वारह रूप में विराजते हैं, जहां उसकी उपासना भूदेवी पृथ्वी देवी करती है। सह कुरुभीर अपने उस उत्तर कुरु देश के निवासियों के साथ कैसे करती है, अखलित भक्ति, वो भक्ति जो कभी चूकती नहीं है, कभी गिरती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, इसका मतलब निरंतर भक्ति के द्वारा। भक्ति योगेन अखिलित, अस्खलित भक्ति योगेन, वो सेवा जिसमें कभी त्रुटि नहीं आए, कभी रुकावट न हो जाए। उपधावती पूजा करती है, इमाम च परमाम उपनिषदम आवर्त्यति, आवृत्ति करते हैं मतलब उच्चारण करते हैं, एक बोलता है दूसरे उसके पीछे बोलते हैं, जैसे हमारे कृष्ण मंत्र बोलते हैं कहते हैं आवृत्ति करो, हम बोलते हैं हमारे पीछे बोलो, ये आवर्त्यति, और उपनिषदों का मंत्र बोलते हैं। श्री प्रभुपाद का सुखदेव महाराज आगे कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, परम पुरुष भगवान अपने वारहा रूप में जो यज्ञ मूर्ति है और सारे यज्ञों को ग्रहण करते हैं, वो जम्बू द्वीप के उत्तर में जहाँ जो उत्तर कुरु वर्ष है वहाँ विराजते हैं, और पृथ्वी देवी अन्य उस वर्ष के लोकों के साथ निरंतर बिना रुकावट वाली भक्ति के द्वारा उपनिषदों के इन मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो हम कौन से वर्ष का वर्णन कर रहे हैं, उत्तर कुरु वर्ष, और वहां भगवान वाराहदेव की उपासना पृथ्वी देवी उस लोक के वासियों के साथ करती है और अनन्य भक्ति के द्वारा करती है और उपनिषदों के मंत्र का उच्चारण करती है। ये मंत्र कौन सा है, ये मंत्र ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ कृतत्वे महाध्वरा अवययाय महापुरुषाय नमः, कर्मा शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। नमः ओम भगवते मंत्र तत्व लिंगाय, हम भगवान को नमस्कार करते हैं मंत्र तत्व लिंगाय, मंत्र तत्व लिंगाय, लिंगाय का मतलब किस चीज को जानने के लिए इशारा, तो जिनको जानने का इशारा है वेदों का मंत्र, जो मंत्रों के द्वारा जाना जाता है, और क्या उसका स्वरूप है, यज्ञ कृतत्व, यज्ञ का मतलब एक अर्थ है वो यज्ञ जिसमें पशु बलि नहीं होती है उसको यज्ञ कहते हैं, वो कृतत्व कहते हैं वो यज्ञ जिसमें पशु बलि होती है, जैसे अश्वमेध गौमेध आदि यज्ञ हुआ करते थे जो कलयुग में निषेध है। तो यज्ञ और कृतत्व का मतलब दो प्रकार के यज्ञ। महाध्रुवाय, महाध्रुवाय जो यज्ञ में आहुति डालते हैं, जो महायज्ञ होता है उसके अंदर वो जो वाराहदेव है उसी के अंग उस यज्ञ के धोरा अव्यवाय, वो महापुरुष के रूप में भगवान वहां रहते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। कर्म शुक्लाय, कर्म शुक्लाय का मतलब जो हमारे कर्मों को, शुक्ल कहते हैं सफेद, सफेद का मतलब काले को सफेद करे, जो कर्म हमारे संबंधन वाले हैं उनको धो के साफ करके सफेद कर देता है, इसका अर्थ है कि यज्ञ करने से पवित्रता होती है। त्रय युगा है,
इसके दो अर्थ है, वो तीन युगों में अवतार लेते हैं क्योंकि चौथे युग कलयुग में भगवान छुपे रूप में अवतार लेते हैं, छन्न अवतार कहते हैं। और त्रियुगा का दूसरा अर्थ है कि छह गुण भगवान के जो हैं वो तीन का जोड़ा, तो छठ गुण भगवान जो है ये उसका अर्थ, उसको हम नमस्कार करते हैं। हम उस महान पुरुष को प्रणाम करते हैं और उसको समझने के लिए हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तभी उसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, आप कर्तु हैं और यज्ञ के सारे जो विधि विधान है वो आपका स्वरूप है, वो आपका दिव्य है। ये शरीर यज्ञ मूर्ति है, हमने पहले वारादेव की प्रार्थना में तीसरे स्कंद में भी कहा था यज्ञ मूर्ति, और आप ही यज्ञों के भोक्ता हैं, और आपका ये स्वरूप उस विशुद्ध सत्व है। आपको त्रियुगी कहते हैं क्योंकि कलयुग में आप छिन्न अवतार हैं, छुपे हुए अवतार हैं। और इसका दूसरा अर्थ जैसे बोला, छह गुण आपके तीन जोड़े हैं। हम उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो मंत्रों के द्वारा जाने जाते हैं, जो यज्ञ रूप है, वो यज्ञ जिसमें पशु बलि होती है और वो यज्ञ जिसमें पशु बलि नहीं होती, जिसके अंग ही यज्ञ महायज्ञ है, वो महापुरुष है, वो विशुद्ध सत्व का है, उसके सारे कार्य विशुद्ध सत्व के हैं, कोई भौतिक नहीं है, और तीनों युगों में प्रकट होते। लिंगाय का मतलब जिसको जाना जाए, कैसे जाना जाए, मंत्र के द्वारा। यज्ञ कहते हैं वो यज्ञ जिसमें पशु बलि नहीं होती है, और कृतत्व कहते हैं कृतत्व कहते हैं यज्ञ जिसमें पशु बलि होती है। तो ये दो शब्दों का टेक्निकल मीनिंग है। महा अद्रव अव्यय का मतलब जिसके अंग ही यज्ञ का स्वरूप है, जो शुद्ध सत्व है, शुक्लाय का अर्थ है शुद्ध सत्व अपने कर्मों में। प्रभुपाद ने लिखा है जो यज्ञ के द्वारा यज्ञ वालों के कर्मों को धो के साफ करता है, तो दो अर्थ हो गए शुक्लाय के, शुक्लाय कर्म शुक्लाय के दो अर्थ हो गए। एक विशुद्ध सत्व के कर्म है भगवान के अपने कर्म तीनों गुणों से परे हैं, और दूसरा जो यज्ञ करता है वो अपने कर्मों के फल के बंधन से मुक्त होके स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। आप त्रियुग हैं, तीनों युगों में अवतार लेते हैं, अथवा आपके छह गुण हैं। श्री प्रभुपाद ने सीधा कहा है कि तीन युगों में अवतार लेते हैं, तो कलयुग में अवतार लेते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और ये अवतार जो है इसका वर्णन पुराणों में मिलता है, महाभारत में मिलता है, श्रीमद् भागवत और उपनिषदों में मिलता है, और चैतन्य चरितमृत में एक शब्द में कहा है कलियुगे लीला अवतार ना करे भगवान, कलयुग में भगवान लीला अवतार नहीं लेते हैं, अतएव त्रियुगी करे कहितार नाम। इसीलिए भगवान का नाम त्रियुगी है कि लीला अवतार के रूप में नाम नहीं लेता, अवतार नहीं लेते, इसलिए भगवान को त्रियुगी कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के अवतार हैं, परंतु ये छिन्न अवतार हैं, इसका ये केवल वेदों के वाक्य से ही जाना जाएगा और बुद्धिमान ही समझेंगे, और इसकी पहचान है संकीर्तन यज्ञ। और आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं, यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुषु एव जात वेदसं मन्थन्ति मत्थना मनसा दृक्षवो गुणं क्रिया अर्थै नमा इरितात्मने। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो, जिनके स्वरूप को बड़े बड़े विद्वान और विपश्चित का अर्थ है भक्त, जिसके स्वरूप को भक्त और बड़े बड़े विद्वान गुणेषु दारुषु एव जात वेदसं,
ये जो लाइन है इसका अर्थ है कि जैसे वैदिक काल में यज्ञ से पहले एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रख के उसको घिसने से अग्नि पैदा होती थी, उसको कहते जात वेद, उन लकड़ियों को अरणी कहते हैं, अरणी, और ब्रह्मचारी उनका मंथन करते थे, मंथन्ति मत्नंथना, वो जो उसके मंथन से जैसे अग्नि निकलती है ना, ऐसे विद्वान और भक्त मनसादिदृक्षतो, वो जब मन में मंथन करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं बार बार, तो जो भगवान गूढ़ है, जो जो छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है, वो क्रिया अर्थ है, वो उनके जो उनके लिए प्रकट हो जाता है अग्नि की तरह, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे दो अरनी की लकड़ियों को घिसने से बड़े बड़े संत महात्मा अग्नि को प्रकट करते थे, जो लकड़ी में छुपी होती है, इसी प्रकार जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान हैं अथवा बड़े बड़े महान भक्त हैं, वो अपने ही शरीर में जो भगवान है परमात्मा के रूप में, जो गूढ़ रूप से छुपा हुआ है, जिसको मानसिक चिंतन से अथवा फल वाले कर्मों से जाना नहीं जा सकता, परंतु उसके लिए भगवान आप स्वयं प्रकट हो जाते हो, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय से आपके ढूंढने में, आपको ही ढूंढने में लगा होता है प्रेम पूर्वक, उसके सामने आप प्रकट हो जाते, तो हम आपको आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। जैसे व्यक्ति दो लकड़ियों को घिसने से अग्नि को प्रकट करता है, ऐसे ही बुद्धिमान और भक्ति भक्त, एक कवि बुद्धिमान और दूसरे भक्त विचिक्षण, जो आपको देखना चाहते हैं वो क्रिया करके आपको, ऐसी किस प्रकार क्रिया करके मंथन करके आपको देखना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके नाम और रूप के ऊपर अपने मन को केंद्रित करते हैं। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, जिसके स्वभाव को वर्णन किया है कि ऐसे प्रकट होते हैं। कवि कहते हैं बुद्धिमान बड़े विद्वानों को, और विपश्चित कहते हैं भक्तों को, मन से मंथन करते हैं, मन को मंथनी बनाते हैं, जो आपका ना आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके नाम कृष्ण राम का उच्चारण करते हैं, वो कृष्ण जो सांवला है और रामचंद्र जो सांवला है, परंतु उसमें हरियाली का थोड़े सा हरा सा उसमें शेड है, आप उनके हृदय में प्रकट होते हो, जैसे अग्नि जात वेद, जैसे अग्नि प्रकट होती है दो लकड़ियों को घिसने से, वो बार बार अपने मन को आपके रूप के ऊपर केंद्रित करते हैं, आपके नाम का उच्चारण करते हैं अपने मन में, और आप उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। उनके हृदय में प्रकट नहीं होता जो कर्म करके अपने उनका फल भोगते हैं, उनके हृदय में प्रकट नहीं होता, क्रिया अर्थ वालों को नहीं मिलता है, परंतु केवल भक्ति वालों को मिलता है। वो भक्ति जिसमें कर्म मिक्स नहीं है, उसमें कर्म की मिलावट नहीं है, उसको मिलता है। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं आत्मा ने, जिसका स्वभाव ईरत का वर्णन किया गया है कि भक्तों के लिए प्रकट होता है। इसका दूसरा अर्थ है वो अपने इंद्रियों में आपके रूप का मंथन करते हैं, गुणेशु, गुणेशु का अर्थ है इंद्रियों में, जैसे कान में शब्द को लेकर और मन में श्रवण करते हैं उसका, आपके नाम का, गुण का, लीला का, ये गुण इसमें शब्द जो है उसका ये अर्थ है। जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं उसी को सुनते हैं, ये मंथन है बड़ा,
और ऐसे इंद्रियों से वही शब्द मुख से निकले, उसको कान से सुने और मन में वो भगवान का ध्यान आ जाए, तो ये मंथन है। श्री प्रभुपाद जी ने क्रिया अर्थ ही का अर्थ है कर्मकांड के कार्य करना, और प्रायः ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। और विपश्चिति जो है, प्रभुपाद का ये तात्पर्य थोड़ा शास्त्रिक है, विपश्चित के लिए तैतृय उपनिषद का श्लोक दिया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। यो वेद निहितम, जिसको वेदों में वर्णित है, गुहायाम प्रमे वयोम, वो हृदय में छुपा हुआ है, सो अश्नोते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिति इति। और अश्नुति, जिसका सो अश्नुति, अश्नुति कहते हैं जिसको प्राप्त करते हैं, जिसका जिसको प्राप्त करे, सर्वान कामान, जो सब सारे काम उनके इच्छाएं पूरी करे, सब ब्रह्मणा विपश्चित, वो ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान है। प्रभुपाद जी ने श्लोक का अर्थ लिखा नहीं, सीधा लिखा है, ऐसा ही भगवान ने भगवत गीता में कहा है, बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यंते, क्योंकि ज्ञानी इस प्रकार से प्रयास करके भगवान को जानना चाहते हैं, जो हृदय में है वो विपश्चित है, विपश्चित का तो ये वो ज्ञानी है जो भगवान को बहुत जन्मों के बाद जान सकते हैं। भगवान सबके हृदय में, भगवान सर्वत्र है, ये जो जानता है उसका ज्ञान पूर्ण है, सिद्ध है, पवित्र है। जात वेद का अर्थ है अग्नि, जो लकड़ियों को घिसने से पैदा होती है, और जात वेद का एक और अर्थ है जो पेट में अग्नि होती है जो भोजन को पकाती है, उसको भी जात वेद कहते हैं, जिससे भूख लगती है। और गुण का अर्थ है, स्वेताश्वर उपनिषद में लिखा, एको देव सर्वभूतेषु गुणः, एक ही भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में छुपा हुआ है, और उसको कैसे जाना जाए, मंत्रों के साथ, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों के हृदय में वो विराजमान है, वो सर्वव्यापी है और सबके हृदय में है, कर्माध्यक्ष सर्वभूता अधिवास, वो सबका साक्षी है, सबके कर्मों का साक्षी है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, भगवान सबका साक्षी है, प्रकृति के गुणों से परे हैं और सबकी ओर शक्ति देने वाले हैं, परंतु स्वयं गुणों से परे हैं, परंतु सबको शक्ति देने वाले हैं। प्रभुपाद ने श्लोक का भाव विपश्चित शब्द की परिभाषा में दे दिया। एक और श्लोक पढ़ रहे हैं, द्रव्या क्रिया हे तवे अयने शकृति भी कारत्र भी माया गुणै वस्तु निरीक्षितात्मने अवेक्षा अंगातिश्यातम बुद्धि भी निरस्त माया कृतहि नमो नमः। द्रव्य कहते हैं जैसे इंद्रियों के विषय हैं, द्रव्य क्रिया जो इंद्रियों के द्वारा होती है, हेतवे इनको काम करने के लिए इनके इंद्रियों के देवता, अयनेश अयन ये शरीर, अयन अयन वैसे कहते हैं जैसे मशीन है, यंत्र युणानी अयन मंत्र ये शरीर, ईशा जो इस शरीर के हेत अहेत अयनेश, इस शरीर के इंद्रियों के ऊपर जो अधिपति देवता इस शरीर का संचालन करते हैं, और कर्ति भी ही मैं करता हूं, ये जो अहंकार है, माया गुणई वस्तु, ये जो माया के गुण है, माया के गुणई प्रकृति के तीन गुण, वस्तु वास्तव में, निरीक्षित आत्मने, निरीक्षित इसको निरीक्षण किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, कैसे आत्मने,
परमात्मा, इन सब के पीछे इन सब को चलाने वाला, इनको देने वाला परमात्मा है। अनिवीक्ष, जब अनिवीक्ष का मतलब अच्छी तरह से विश्लेषण करें, बड़े ध्यान पूर्वक इसका विचार करें। अंग, जो अंग है किसके, भक्ति योग के अंग हैं अथवा अष्टंग योग के अंग हैं, जो अंग हैं उनके। अतिशय आत्मबुद्धि है, जिनकी बुद्धि अति आत्म साक्षात्कार के लिए तीव्रता से लगी हुई है, एकाग्र है। निरस्ता, जब वो बिल्कुल संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले, किससे, माया से। माया आकृत्य, उसका रूप। नमः, भगवान आपको नमस्कारता है, नमः बार बार नमस्कार करते हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं, जैसे शब्द है, स्पर्श है, रूप है, गंध है, ये सारे बंधन का कारण है। असल में एक 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 इंद्रिय का विषय एक एक जंतु को बंधन में डालता है। भृंग तुरंग, ये नाम कुछ है, मतंग, एक एक इंद्री एक एक को पकड़ती है। मीन, मतंग, भृंग, पतंग, ऐसे नाम है। इंद्रियों की क्रियाएं, उनके संचालक देवता, शरीर, काल, अहंकार, ये सारा प्रकृति के द्वारा प्रकट किया जाता है। जिनकी बुद्धि योग के अंगों के साधन में लगी हुई है, वो इस चीज को देख सकते हैं कि ये सारे भगवान की बाहरंग शक्ति की के कार्य हैं। वो आपके परमात्मा के रूप का भी दर्शन कर सकते हैं, जो इसके पीछे सारा संचालन चलाता है। इसलिए हम बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम उसको प्रणाम करते हैं जिसके रूप को, बुद्धि को एकाग्र करके और भक्ति के अंगों के द्वारा जानने का प्रयास किया जाए। चक्रतिवात अंग को भक्ति के अंग लेते हैं, जैसे श्रवण कीर्तन, और फिर ध्यान किया जाए, मन लगाया जाए, अभ्यास किया जाए श्रवण कीर्तन का, सेवा का, और चिंतन किया जाए, तो फिर माया का जो प्रभाव है, इंद्रियां और जो इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों के देवता, शरीर, काल और अहंकार, इन सब को समझा जा सकता है और भगवान को भी समझा जा सकता है, जो इनको देने और चलाने वाले हैं। इसलिए हम बारंबार भगवान को प्रणाम करते हैं। भले हमारे पास, भले ही हमारे पास ये भौतिक शरीर है, जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, इनके दोनों के होते हुए भी ये संभव है कि हम भगवान को प्रकट कर लें। अगर कोई अभ्यास करेगा, मंथन करेगा, तो आपके रूप को देख सकता है। हम आपको प्रणाम करते हैं जिसको वास्तव में देखा जा सकता है। वस्तु कैसे देखा जा सकता है, बुद्धि के साथ देखा जा सकता है, बड़े अभ्यास के साथ देखा जा सकता है। कौन सा अभ्यास करके, भक्ति के अंगों का अभ्यास, श्रवण कीर्तन करके और निरंतर चिंतन करके, अनवीक्ष मन को श्रवण कीर्तन ध्यान निध्यासन में लगाने से, तो माया के सारे कार्य भी देख समझ में आएंगे और आप भी समझ में आओगे, जगत को भी समझेंगे, जगदीश को भी समझेंगे। तो जगत में क्या समझेंगे, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के देवता, शरीर, काल, अहंकार, ये सब समझ में आएगा। और इनसे परे आपका आध्यात्मिक रूप है, वो भी समझ में आएगा। आप तो माया से परे हैं, आपको हमारा प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। और वही भक्त जो माया से परे हैं,
हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्तों को आप माया से मुक्त कर देते हैं। एक अर्थ ये भी, अपने भक्तों को माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के कार्य हैं, और सुख दुख है, शरीर है, अहंकार है झूठा, ये भगवान की माया के द्वारा सृष्टि होती है, और इनके पीछे भगवान परमात्मा के रूप में सारा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि जीव अपने आप में स्वतंत्र सब कुछ जैसे चाहे ऐसे कर सकता, ये जीव की बात नहीं है, इसके पीछे भगवान का निर्देश है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ, मैं ही उनको स्मृति ज्ञान और भूलने की शक्ति देता हूँ। परमात्मा से निर्देश लेके काम करना पड़ता है। जो आध्यात्मिक में ताक में उन्नत है और योग का अभ्यास करना जिसको आता है, वो यम नियम आसन आदि करना आता है, वो दिव्य स्थिति में परमात्मा को देख सकता है। वही सारा जो प्रकृति के कार्य हैं, उन सब का संचालक भगवान करते हैं वास्तव में, इसलिए भगवान को सर्व कारण कारणम कहा गया। आंखों से तो नहीं देखते हैं कौन इसके पीछे कार्य कर रहा है, लेकिन सार के पीछे कार्य भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह जो है वही सब कारण कारण है। भगवान भगवती भगवत गीता में कहता है, मैं ही इस प्रकृति के पीछे हूँ, माया दीक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। यह हमारा ये आज का कार्य पूरा होता है। कल इसके एक दो श्लोक पूरे करके मैं समझता हूँ 19वें अध्याय में एक दो और वर्षों का वर्णन है वो करेंगे। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कल संडे का क्या करें, मंडे को हमारा वो क्लोजिंग सेरेमनी है VIC का, और कल कोई संडे का एक फीस के लेक्चर के 7:30 बजे के बाद कहा है किसी ने, मैं उसको हाँ नहीं किया है, तो हमारा क्लास कल रखेंगे, क्या प्रोग्राम रखें? पहले आपका जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा प्रश्न है इस विषय में? कल करके परसों का ब्रेक करें, परसों में जी क्या बोले? परसों आप क्या नहीं पूछिए, परसों क्या करें? परसों VIHE का है ना आप कह रहे हो? हाँ, वो क्लोजिंग सेरेमनी 15 मिनट हमें बोलना होता है, वैसे पूरा सुनना है तो खोल के बैठते हैं, वो 5:30-6 बजे शुरू होगा और 8 बजे तक होगा। कल क्लास करके परसों ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, कल क्लास करें। कल क्या, कल संडे है ना? हाँ ठीक है, तो थोड़ी क्लास 7:30-8:30 तक करेंगे, और फिर जोधपुर वाले कह रहे हैं तो उनको आधा पौना घंटा उनके लिए संडे फिक्स की थोड़ा लेट कर लेंगे 15 मिनट और क्या। ठीक है, देखते हैं जो हरी इच्छा, कल करते हैं। ओके, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। आ गए हमारे मित्र IIMS वाले योगेश के साथी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कैसे, ठीक हैं प्रभु जी?